जिस जहाँ पे मैं फिलहाल अब भी खड़ा हूँ, यहाँ से शुरू मतलब यहाँ से शुरू ये रहे रेड लाइट एरिया। और सब बीच बॉय गैंग फैमिली दोनों यहाँ पे बैठा हुआ है और हम लोग अभी सोच रहे हैं कि कहाँ पे जाए, क्योंकि धूप इतना है, गांड फटा पड़ा है धूप देख के। इतना धूप में कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए सोच रहा है। कहाँ जाएगा बोल, क्या सोच रहा है? जाऊँगा इधर गणेशगढ़ जाऊँगा, इधर थोड़ा घूमने के लिए। लेकिन धूप तो बहुत गांड फटा हुआ धूप भी है ना, तो छाया छाया जाऊँगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट शॉट में। क्या करने वाला है, क्या करने वाला वीडियो में कुछ पता नहीं, सीधा निकलने वाला हूँ, जो मिलेगा रास्ते में सारा दिखा दूंगा। बाय। का गली का भी ये हालत है, देखो ये देखो धूप देखा, बेंच ये धूप देखा, इतना चमक रहा है धूप। हम लोग यहाँ पे बैठा हुआ है, ये इधर ये बैठा हुआ है, उधर मैं भी बैठा हुआ हूँ, और सामने ये धूप देख के निकलने का मन नहीं कर रहा। और ये गेट खुलने में ना ऊपर से और गांड फट जाता है, बहुत जाम गेट है ये, बेंच एक आदमी खुल ही नहीं सकता, इसका ही गांड फटता है डेली, दो आदमी में खींचना पड़ता है तब जाके खुलता है। और बारिश हो गया और जाम हो जाता है, इसलिए इसमें ग्रीस लगा लगा के रखना पड़ता है, नहीं तो खोल ही नहीं पता है कि नहीं। दो आदमी से खींचने पड़ता है। और इस तो सर पे मौत का कफन पहन के ये धूप में हम लोग ने बाहर जाने का फैसला कर लिया। ये गेट खुल रहा है, उसके बाद अगर धूप में मरते भी है तो फिर भी बाहर जाएंगे, तो गेट खुल रहा है और हम लोग निकलने वाले हैं। मौत का कफन पहन लिया ना सर पे, क्योंकि धूप में मर भी सकते हैं, कोई भरोसा नहीं। लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, इस ऐसे एंटरटेनमेंट भरा वीडियो आते रहता है यहाँ पे। क्योंकि मैं ये गुच्ची का घड़ी मेरा पहनना भूल गया और पर्स, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पर्स लेना भूल गया, तो इसको यहाँ पे छोड़ के मैं वापस गया था यहाँ पे और पहन के अभी आ गया, अभी फिर निकलते हैं। पहले मैंने एक चीज़ नोटिस किया था, जैसे कि ईद होता है ना, ईद के बाद में कम से कम 15 से 20 दिन से एक महीने तक लोग अपने बीवी बच्चों को लेके ससुराल जाता है, ठीक है। लेकिन अभी रोड पूरा खाली है, कोई बीवी बच्चे को लेके ससुराल नहीं जा रहा है, ये बहुत फनी है कि नहीं। पहले देखा था ना तुमने ऐसा? बहुत। लेकिन अभी पूरा रोड खाली है, किसी को भी नहीं देख रहा है, ससुराल जा रहे हैं अपने बीवी बच्चे को लेकर। कहाँ गए सब लोग भाई? कोई भी बंदा अगर गुवाहाटी से देख रहा ना ये वीडियो, तो तुमको पता होगा, तुमने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा कि ये जो रोड है, ये वाला ये गणेशगुड़ी का मतलब सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे कितना भीड़ रहता है। मतलब नॉर्मल डेज में इसमें इतना भीड़ रहता है कि तुम्हारा, तुम जब पैदल चलते हो तुम्हारा भी ध्यान इधर से इधर, अगर थोड़ा सा भटक गया ना तुम किसी ना किसी से टकरा ही जाओगे, इतना भीड़ रहता है। लेकिन अभी देखो पूरा का पूरा सुनसान है, ऐसा देखने से बहुत बुरा लगता है, पता है इतना खाली कभी नहीं था, ये बहुत एक ट्रैफिक वाला भीड़ वाला जगह था। इससे और एक इसका फ़ायदा भी हुआ, जैसे कि बहुत सारे जगह में है ना कंस्ट्रक्शन का जो भी काम है वो बहुत धूमधाम से हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम। पहले जो कंस्ट्रक्शन का काम करता था ना, इतना ट्रैफिक भीड़ बाहर, लोग परेशान हो जाते थे। लेकिन अभी बंद है बेंच, पूरा कंस्ट्रक्शन का काम बहुत धूमधाम से चल रहा है, ये एक अच्छी प्लस पॉइंट। यहाँ से जा रहा था तो यहाँ पे एक अमरूद का पेड़ दिखा है, देखो ये वाला बहुत सारा अमरूद तोड़ा, ये एक तोड़ा, इसको भी दिया है, जेब में भी इसका है, और ये भी एक है, मैं खा रहा हूँ इसी पेड़ का है, रोड साइड में गणेशगुड़ी। इस पेड़ से तोड़ा है, खा रहा है, थैंक यू पेड़, जा रहा है। और भी है वो मीठा दिया अमृत तुल के, कैसा है, मीठा है ना? नहीं है बोल, बहुत मीठा है। हाँ मीठा है ना, बहुत बहुत मीठा है। अमृत मिला, तोड़ा पेड़ से खा रहा है, मज़ा आ रहा है, बहुत मीठा है, बहुत मीठा, बहुत बहुत ज़्यादा मीठा है, खा के बहुत मज़ा आ रहा है, और गणेशगुड़ी का मज़ा ले रहा है, पूरा खाली खाली, ऐसा तो सपने में भी पहले होगा बोल के सोचा ही नहीं था, इतना भीड़ रहता था ये जगह। अभी ये गाड़ी मेरे को मार देने वाला था, पता है। जिस जहाँ पे मैं फिलहाल अब भी खड़ा हूँ, यहाँ से शुरू ये रहे रेड लाइट एरिया, मतलब यहाँ से शुरू होके ये आगे एक टीनली है, हैंगराबाई टीनली, वहाँ पे जाके रेड लाइट एरिया ख़त्म होता है। तो मतलब मैं अभी जो चल रहा हूँ ये रेड लाइट एरिया है, तो यहाँ पे कम से कम तुम्हारा 50 या 60 कॉलगर्स रहते हैं यहाँ पे, तो वो लोग अभी तो लॉकडाउन की वजह से है नहीं, तो वो लोग फिलहाल अभी क्या कर रहा होगा, कैसे चल रहा होगा, क्या खा रहा होगा, वो तो गांव भी नहीं जा सकते, क्योंकि गांव में जाके क्या बोलेंगे कि वो लोग क्या काम करता था। तो वो लोग का मेरे हिसाब से कोई गांव भी नहीं होगा, वो लोग यहीं पर कहीं पर रेंट पर रहते होंगे, उन लोग का घर वाला भी नहीं होगा, फैमिली भी नहीं होगा, कैसे खा रहे होंगे, कैसे चल नहीं रहे होंगे। लेकिन इस जगह में बहुत 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 ज़्यादा सारा था, जहाँ से मैंने स्टार्टिंग किया था ना, वहाँ से लेके वो सामने एक टिनली है, वहाँ तक ये पूरा रेड लाइट एरिया है। ये गली है ना, ये पूरा रेड लाइट है, रेड लाइट, ये
यहाँ से लेके वो जो नीला एक बोर्ड दिख रहा है वो, और यहाँ से वो जो एक बंदा जा रहा है वहाँ तक, ये पूरा रेड लाइट है ये यहाँ का गणेशगुरी का, पता है हमें त्रिवेणी पथ रेड लाइट एरिया, ठीक है गणेशगुरी, यहाँ पे आ जाना कुछ भी मिल जाएगा, है ना बोल। मिल जाएगा ना, बहुत अच्छा अच्छा मिलेगा, बड़ा बड़ा। ये रेड लाइट एरिया हो जाता है ख़त्म, इस जगह में रेड लाइट एरिया ख़त्म हो जाता है, खगन महानता बहुत पीछे देख रहा है, यहाँ पे रेड लाइट एरिया ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और सामने से सीधा हम लोग जाएंगे अभी जू टेनली। सो व्हाट्सअप गाइस, तो मैं अभी हूँ जू रोड पे और मैं अभी जा रहा हूँ अपने रूम की तरफ। वीडियो बनाने में थोड़ा सा भी तो मेहनत लगा होगा ना, तो अगर तुमको लगा मैंने थोड़ा सा मेहनत किया है वीडियो, चलो कोई इनलॉजिकल वीडियो था, कुछ लॉजिक था ही नहीं। अगर तुमको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम एक भी लाइक कर देते हो मेरे वीडियो को, तो उस चीज़ से मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और भी ज़्यादा मैं एनर्जी दे पाता हूँ। अगर लाइक नहीं करते हो व्यूज़ आते हैं तो मोटिवेशन नहीं आता।